हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको यूट्यूब वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए ताकि आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि किसी भी टाइम को अपलोड कर देते हैं वीडियो को, जिसके कारण उनके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते और उनका चैनल जल्द से जल्द ग्रो नहीं हो पाता है। तो मैं ये बताऊँगा कि आपको किस टाइम पर वीडियो अपलोड करना चाहिए और आपकी ऑडियंस किस टाइम पर एक्टिव रहती है ताकि आपकी वीडियो पर व्यूज़ आ सके। अगर आप वीडियो को अलग अलग टाइम पर वीडियो अपलोड कर देते हो और आपके ऑडियंस उस टाइम पे एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपके वीडियो को कौन देखेगा? यहाँ आपको मैं बताता हूँ लाइव प्रूफ कि आपके ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है, ये आप कैसे चेक करेंगे और आप किस टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना चाहिए और आपके ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं ताकि आपके वीडियो को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, तो आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि गाइज आपका डेस्कटॉप साइट की डेस्कटॉप मोड में ये यूट्यूब चैनल ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टूडियो मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एनालिटिक्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे आपके अपने चैनल की सारी रीच देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी चैनल में ग्रो हो रही है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्या सब्सक्राइबर है, क्या व्यूज़ है, क्या वॉच टाइम आ रहे हैं, सारे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है, आपको किस टाइम पे वीडियो अपलोड करना है, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑडियंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब लोकल योर लोकल टाइम जी AMT प्लस इतना 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 इतना। आप देख सकते हैं ऊपर में एक हफ्ते का पूरा नेम दिया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस दिन मेरा ऑडियंस एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे मैं मंडे के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे 6 बजे के सामने में जस्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी व्हाइट कलर के आए हुए हैं बने हुए हैं। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ऑडियंस यहाँ पे एक्टिव नहीं रहती है रहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ट्यूसडे पे देखोगे, संडे वेडनेस के ऊपर देखोगे तो सारे के सारे व्हाइट बता रहे हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो 10 बजे में आप यहाँ पे कुछ ऑडियंस एक्टिव रहते हैं क्योंकि हल्का यहाँ पे गहरी कलर हो रही है। उसके बाद आप 12 बजे के जस्ट सामने में क्लिक करते हैं तो मेरा ऑडियंस यहाँ पे 12 बजे के ऊपर एक्टिव रहता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पूरा गहरा कलर हो रहा है। यहाँ पे आपका जहाँ जहाँ पे गहरा कलर हो रहा है तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पे मेरा ऑडियंस एक्टिव रहता है इस टाइम पे। और जिस दिन भी आप यहाँ पे ट्यूजडे वेडनेसडे जिस दिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका उस टाइम पे यहाँ पे ऑडियंस एक्टिव रहता है। और जहाँ पे कलर फीका पड़ते जा रहा है, वाइट होते जा रहा है, तो वहाँ पे आपका ऑडियंस एक्टिव नहीं रहता है। आप इस तरीके से आप अपने चैनल का टाइम देख सकते हो कि आपके ऑडियंस आपके चैनल पर किस टाइम पर एक्टिव रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा, उस टाइम पे वीडियो आप अपलोड करोगे तो आपके वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। यहाँ पे आपका ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहता है, यहाँ मैं अपने चैनल को ओपन करके दिखाया हूँ कि मेरे ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। गाइस मेरे ख्याल से इसके पीछे मुझे परिणाम बेकार है, क्योंकि गाइस मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके पास तो नोटिफिकेशन जाता ही होगा। वो अगर अभी नहीं देख पा रहे हैं तो 1 घंटे बाद देखेंगे, 2 घंटे बाद देखेंगे, लेकिन वो तो वीडियो को देखेंगे ही ना, तो मेरे किसी ना किसी तरीके से वो व्यूज़ आ जाएंगे, वो देख लेंगे। लेकिन गाइस क्या गारंटी है कि मैं इस टाइम पर वीडियो अपलोड करूँगा और इस टाइम पे वो बंदा मेरे वीडियो को देख लेंगे? क्योंकि गाइज आपको इस पीछे में नहीं पड़ना है कि हमें इसी टाइम पे वीडियो अपलोड करना है। तो गाइज जैसे मान लो मेरा यहाँ ऑडियंस इस टाइम पे एक्टिव दिखा रहा है, अगर मैं इस टाइम पे वीडियो अपलोड ना करूँ तो क्या मेरे वीडियो को कोई नहीं देखेगा, मेरे वीडियो किसी के पास नहीं जाएगा? क्योंकि गाइज हर सेकेंड लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब को ओपन करते हैं और यूट्यूब को यूज करते हैं, तो इससे भी मेरे वीडियो पर व्यूज आ सकता है, लेकिन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप अभी न्यू क्रिएटर हो। लेकिन गाइज आप बात करते हैं ये बड़े क्रिएटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइज बड़े क्रिएटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और जिनके कारण से उनका सब्सक्राइबर एक्टिव रहता है और वो वीडियो जैसे ही पब्लिक करते हैं तो उनका वीडियो को लोग देख लेते हैं और उसके वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपने यहाँ पे टाइम देख लोगे, अगर आप डालना चाहोगे टाइम के हिसाब से यहाँ पे तो आप टाइम के हिसाब से वीडियो को अपलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो न्यू क्रिएटर के हिसाब से आप अगर इसके हिसाब से चलोगे तो आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि गाइस ये आप न्यू क्रिएटर हो, आप किसी भी टाइम पर वीडियो अपलोड कर सकते हो और कर देते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि काश ये वीडियो मेरा वायरल हो जाए और इनके वीडियो पर व्यूज़ आ जाए। लेकिन इसी प्रॉब्लम की वजह से आपको जब मर्जी होता है तब वीडियो अपलोड कर देते हो। लेकिन गाइज मेरा कहना हो ये होगा कि आप वीडियो को अच्छी क्वालिटी में बनाओ, अच्छी कंटेंट बनाओ और वीडियो को किसी भी टाइम अपलोड करो, 10 बजे करो, 12 बजे करो, दोपहर के शाम के 4 बजे करो, 6 बजे, 10 बजे रात को करो, किसी भी टाइम आप वीडियो अपलोड कर दो। अगर आपके वीडियो पर व्यूज़ आ जाता है तो आपके चैनल धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, अगर आपके एक भी वीडियो वायरल हो जाता है तो।
और गाइस जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करते ही यहाँ पे लिखा हुआ रहा है सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका कितने सब्सक्राइबर जो है कि नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखे हैं और कितने नहीं रखे। तो ऊपर में जो लिखा हुआ रहा है सब्सक्राइबर हो टर्नेड ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल, तो यहाँ पे 43.8% लोग सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल ऑन करके नहीं रखे हैं। सब्सक्राइब तो किए हैं बल्कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके नहीं रखे हैं, ऑल पे क्लिक करके नहीं रखे हैं। उसके बाद नीचे पे जो लिखा हुआ है सब्सक्राइबर हो टर्नेड ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड एनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशन, 32.7% जो है लोग सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक किए हैं और उसके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो गाइस ये भी प्रॉब्लम होता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने सब्सक्राइबर के पास मेरा नोटिफिकेशन जाता है और कितने सब्सक्राइबर के पास नहीं जाता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है और आपको वीडियो किस टाइम पे अपलोड करना है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरीके की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाए। गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर का लिंक होगा, आप वहां पे जाकर के फॉलो कर लें। आप वहां फॉलो नहीं किए हो तो जाकर के फॉलो कर लें क्योंकि गाइस आप वहां से भी मुझसे कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह के कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।